चाचा पाकिस्तानी की बात हुई है जी। जब इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जब विराट कोहली ने 50 मारी, विराट कोहली खेल रहा था, मैंने आई लव इंडिया चक दे इंडिया का सॉन्ग पीछे लगा के मैंने इंडिया को सपोर्ट किया। मैंने कहा मेरी 2.4 मिलियन पे इंस्टा पे वीडियो वो गई कि ये है विराट कोहली, ये है बैट्समैन। मैं विराट कोहली की कदर करता हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसे महान क्रिकेटर समझता हूँ। लेकिन आप उनसे एक मिनट पूछ लीजिए, लेकिन जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे तो ऑफकोर्स एक पाकिस्तानी जो है वो अपने वतन को ही सपोर्ट करेगा। और ये देखे दोस्तों, अब ये सुनना कि ये कह रही है कि आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों, जबकि मैंने इसकी बात भी नहीं की, बाकी आप सारी वीडियो देख ही रहे हैं। अच्छा, इतना गुस्सा क्यों? बुरी परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान टीम हार गई, इंडिया अच्छा खेला, इंडिया जीत गया। और इतना गुस्सा सबसे ज्यादा मुझ पर क्यों है ये भी बताएं। नहीं नहीं, आपकी मैं बताता हूँ, आपकी तो बात नहीं हो रही, इस टाइम बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की, और बात हो रही है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की। और मुझे गुस्सा है पाकिस्तानी टीम 11 के ऊपर, मुझे गुस्सा है बाबर आजम 11 के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी हिकमत अमली के ऊपर। कि अगर आपके 30 पे 3 खिलाड़ी आउट होते हैं, अगले 12 ओवर में पूरी टीम आप आउट हो जाते हो, तो मुझे आप पे गुस्सा बनेगा, हर पाकिस्तानी को आपके ऊपर गुस्सा आएगा। अगर मैं आपकी बॉलिंग की बात करूं तो आपको इस तरह छक्के और चौके पाटे हैं, और अगर आपकी बैटिंग की बात करें, जब हम तारीफों के पल बांधते हैं तो हम शुरू होते हैं जो है इमामुल हक से और खत्म होते हैं हसन अली से। और जब हमारी टीम क्लैश होती है, जब हमारी टीम आउट होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी टीम एज ए बॉलिंग ही खेल रही थी, कि किसी में इस पूरी टीम में कोई बैट्समैन ही नहीं था। तो गुस्सा होना बनता है लाभखानी, मुझे आप पे कोई गुस्सा नहीं, आप पे कोई नाराजगी नहीं है, हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क के ऊपर गुस्सा होना चाहिए। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि बहुत ज्यादा बात आप पे की जाती है कि बाबर आजम का कवर ड्राइव जो है, जिससे वो बहुत ज्यादा मशहूर है, और कंपेयर किया जाता है कोहली के साथ, क्योंकि कोहली का कवर ड्राइव भी बहुत अच्छा है। आप मुझे ये बताएं कि क्रिकेटिंग सेंस में आपको विराट कोहली ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनकी ड्राइव ज्यादा अच्छी लगती है, या कोई पर्सनैलिटी क्लैश है, बाबर आजम से वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं, ये माजरा है क्या? क्योंकि बहुत ज्यादा बात की जाती है कि आप बाबर आजम को छोड़ के विराट कोहली को जो है वो क्यों पसंद करती है, इसका थोड़ा बताएंगे हमें। देखिए, कोहली जी इस वक्त सचिन जी के रिकॉर्ड को तोड़ने के काफी करीब हैं, तो आपसे मैं इसकी जवाब में पूछती हूँ, क्या बाबर आजम जी ने इनके रिकॉर्ड तोड़े हैं? बाबर आजम ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बट अबाउट सचिन जी एंड कोहली जी रिकॉर्ड कंपैरिजन बनता नहीं है। देखें, बाबर आजम ने अभी 100 वनडे के करीब आसपास खेले हैं, सचिन तेंदुलकर जो है वो 450 मैच खेलने के बाद उनने ये अचीव किया है, विराट कोहली 350 से ऊपर वनडे जो है वो खेल चुके हैं। जब बाबर आजम उस एरा में पहुंच जाएंगे, जब बाबर आजम के इतने वनडे हो जाएंगे, तो फिर आप उनका कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन करंट फॉर्म जो लगी है, करंट पोजीशन जो लगी है, उसमें बाबर आजम और कोहली का कंपैरिजन बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि बाबर आजम भी, लेकिन विराट भी तो अपने कैरियर के एंड पे हैं तकरीबन। हाँ, क्योंकि विराट कोहली ने अपनी बेस्ट क्रिकेट जो है वो खेल चुके हैं, बाबर आजम चुके अपनी बेस्ट क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम जब उस एरा में पहुंचेंगे जिसमें जिसे सचिन तेंदुलकर ने 450 या उनके कैरियर का जब इख्तिताम होगा, तो ये गोल जो है वो सारे अचीव कर चुके हैं। मौजूदा दौर में अगर मैं कहूँ की वजह क्या है, मतलब कोई एक वजह होती है कि विराट कोहली से इतना प्यार करना, जी जान से प्यार करना, हमने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, इतना करना कि बस विराट जी विराट जी विराट जी, वजह क्या है? कोई एक वजह तो होगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी खूबसूरती, उनकी लुक, क्या वजह है? रिसेंटली कोहली जी ने सेंचुरी हिट की है, बाबर आजम जी की लास्ट सेंचुरी कब थी? बाबर आजम के भी लास्ट पिछले दो मैच के खिलाफ थी। तो इस साल, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं बाबर आजम जी की फैन थी, ठीक है, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम, ही इज कैप्टन ऑफ अवर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, बट नाउ आई एम मोर इनटू रिजवान जी, मुझे अच्छा लगता है। मतलब एक होता है ना कि आप कांस्टेंट, हम रिजवान तो वैसे ही लड़कियों से दूर भागते हैं, वो मेरे भाई हैं, कांस्टेंट आप किसी के परफॉर्मेंस देखते हो ना कि हर मैच में, बाबर आजम जी ने मतलब एक दो मैचेस में किया होगा, मैंने उनकी लास्ट एशिया कप में उनकी एक मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी। लेकिन कोहली जी एक ऐसे बैट्समैन है जिनसे आप हर मैच में एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो कि ही विल परफॉर्म वेरी नाइस। तो बाबर आजम जी कभी कभी परफॉर्म करते हैं, लेकिन कोहली जी कॉन्स्टेंट परफॉर्म करते हैं, एंड आई बिलीव दिस इज द रीजन दैट आई लाइक हिम मोर, ही इज माई फेवरेट क्रिकेट आइकन। अच्छा, इसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं है, दीवानी है बस, कुछ विराट की दीवानी, बस विराट की दीवानी है, कुछ 2 साल पीछे जाए
तो ये बाबर की विराट से ज्यादा दीवानी थी। जहाँ बाबर जाता था ये पासपोर्ट पकड़ के एयरपोर्ट पे धक्के खा रही होती थी, टिकटों के लिए मार रही होती थी, मैच देखने के लिए मार रही होती थी। इसको क्रिकेट के बारे में अल्लाह नहीं पता, इसको ये नहीं पता कि विराट कोहली ने सेंचुरी कितनी मारी, इसको ये नहीं पता विराट कोहली क्रिकेट में कब तक है। ये जस्ट विराट की दीवानी है, बस यही बात करो। और तो और इसका 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 मोहब्बत की चाहत एक तरफा नहीं है, कुछ दिनों के बाद हालात वाकयात जज्बात देख के वो टर्न आउट हो सकता है और कल को रिजवान हो सकता है, शाहीन हो सकता है और नसीम भी इसकी हिट लिस्ट में हो सकता है। क्योंकि मैंने इसकी मापते चाहते दीवानगियां बदलते देखिए, इसलिए इसकी बात भी इतना ज्यादा सीरियस ना ले। थोड़ा सा इसको मैं चेक करूंगा, पाकिस्तान में लाहौर के अंदर एक मेंटल हॉस्पिटल है उसमें तुम्हारा स्ट्रेस बहुत होगा। मैं आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, पता नहीं 50-60 सालों से आप हर क्रिकेट स्टेडियम में जा रहे हैं, मुझे बीइंग अ क्रिकेट लवर सिर्फ एक साल हुआ है। तो एक साल में मुझे जितनी नॉलेज, लेकिन बाबर आजम से एकदम चेंज होना, विराट की तरफ आना, तो कोई एक खूबी देखी है ना विराट में जो आपने बाबर में नहीं देखी? बाबर आजम जी, यू नो आई फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, बाबर आजम जी हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, ये एक चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया उनकी तरफ। लेकिन जो कोहली जी की परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस मुझे कोहली जी के पास अट्रैक्ट करके लेके गई। विराट कोहली एक परफॉर्मेंस इसको अच्छी लगी, वो 50 के बाद आंख बड़ी अच्छी मारता है, उससे ये वो अपने लॉकेट को चूमते हैं और फिर ऊपर की तरफ इशारा कर, आधा हार गया लेकिन मेरा पड़ोसी जीत रहा है तो दिल बच गया ना थोड़ा। विराट कोहली आउट हो गया जल्दी, तो कोई बात नहीं। आपने रोहित जी को देखा, उन्होंने कैसा खेला? ठीक है, ये विराट कोहली की फैन है, ये विराट कोहली की दीवानी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से प्यार नहीं करते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, हर हर मोहब्बे वतन पाकिस्तानी, हर मुल्क से मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, हर अपने पाकिस्तान से प्यार करने वाला पाकिस्तानी अपने मुल्क को सपोर्ट करेगा और दूसरे लोग इंडिया से मोहब्बत करने वाले लोग सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करेंगे। मैं और मेरे समेत हर पाकिस्तानी आज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा मैच होता, मैं खुदा की कसम अपने हमसाय को सपोर्ट करता, लेकिन मुझे दुख हुआ है, मेरा दिल टूटा है। सपोर्ट तो वो भी पाकिस्तान को कर रही है यार, कहाँ सपोर्ट कर रही है? ये तगड़ मगड़ की सपोर्ट होती है ना, ये नहीं होती, डू एंड डाई की बात है। या दिल दे दो या किसी का दिल ले लो, या किसी के, या खुल के ये बोले कि मैं इंडिया से प्यार करती हूँ, आई डोंट लाइक पाकिस्तान। चाचा पड़ोसियों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर चाचा समझ ही नहीं रहे, पड़ोसियों से प्यार करना अच्छी बात है। देखें आपको पता है सर, दुनिया जाती है कि मेरी और सुजीता की कैसी दोस्ती है, वो इंडियन है, वो इंडियन है। मैं आपको बताता हूँ दोस्ती और मोहब्बत और प्यार और देशभक्ति होती क्या चीज है, वो इंडिया की है, मैं पाकिस्तान से हूँ। वो आज इंडिया को सपोर्ट करेगी, लेकिन कल जब पाकिस्तान का मैच होगा तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। वो ये मेरी दोस्ती में कर रही है, लेकिन आज वो अपने भारत को महान बोल रही है, आज मैं पाकिस्तान को अपनी जान बोल रहा हूँ। ये होती है मोहब्बत वतनी, ऐसा नहीं होता कि तेरे मुल्क से मोहब्बत, तेरे मुल्क से मैच हो, मेरे पाकिस्तान से मैच हो, मेरे पाकिस्तान का इंडिया से मैच हो और ये बोले आई लव विराट कोहली, आज राहुल वो अच्छा खेला है, आज उसका कैप्टन चक है, ये प्यार नहीं होता, ये गद्दारी होती है दीवानगी में, हम भी दीवाने हैं। देखें इंडिया के पास 11 प्लेयर्स हैं, वो एक के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो मेरे ख्याल से जो आज के मैच से हमें सबक मिला है कि हमारी टीम की फिटनेस और फील्डिंग के ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था जो हम नहीं कर पाए हैं, ना हम बैटिंग कर पाए ना हम फील्डिंग कर पाए, क्यों? आई बिलीव फिटनेस इज़ द मेन रीज़न। और आधा दिल आपका टूटा है, बैटिंग की वजह से टूटा है या बॉलिंग की वजह से टूटा है? मेरा आधा दिल इसलिए टूटा कि मेरा घर हार गया, और आधा दिल इसलिए टूटा कि कोहली जी और गिल जी ने सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन फिर वो कैप्टन है ना रोहित जी, उन्होंने अच्छा खेला तो मैं खुश हो गई कि चलो मेरा पड़ोसी जीत गया। भारत जाने के लिए तैयार हैं आप, हमने सुना है कि जल्द आपको वीजा भी मिलने वाला है, तो अगले मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी वहां पे जाके? ज़रूर सपोर्ट करेंगे, हम अपने पड़ोसी देश को भी सपोर्ट करेंगे, मेरा वीजा इन प्रोसेस है और चाचा का मुझे पता नहीं। चाचा बड़े गुस्से से नजर आ रहे हो, ये तारीफ कर रही है और आपको गुस्सा चढ़ रहा है। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान से कम स्कोर हमने बनाया है इंडिया के अगेंस्ट और इसकी तारीफ पे मैं खुश हूँ। तुम 191 स्कोर पे आउट होते हो और मैं खुश हूँ। मैं खुदा की कसम सर रात नहीं सोया इनकी बैटिंग के लिए, आज के दिन के लिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए। ज़िंदगी में पहला ऐसा मैच है जब से मैं क्रिकेट लवर बना हूँ, मैंने पहला मैच स्टेडियम में नहीं देखा, या हमने स्टेडियम जैसा माहौल बनाया और हमारी टीम चारों शाने चीत होती है तो मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं होता, पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि खुदा के लिए हमारे दिलों का एहतराम करें, हमारे दिल टूटते हैं, हमारे जज्बात से आप लोग खेलते हो। और कल से लोग चीख चीख के कह रहे थे कि जकाश अशरफ साहब वहाँ पे गए हैं,
और रिजल्ट ऐसे ही होगा। मैं सबको जवाब दे रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आज रिजल्ट बिल्कुल कचरा टीम हमारी लग रही है। हमने नेदरलैंड से भी कम स्कोर पे हमारी टीम आउट होती है तो दिल दुखेगा, हर पाकिस्तानी का दिल दुखेगा। ये बाबर आजम 11 है, ये कप्तानी है, ये हमारी सुपर टीम है, ये हमारी पाकिस्तान की टीम है जो इंडिया के खिलाफ हमने उतारी, ये हमारी परफॉर्मेंस है, ये हमारी बैटिंग है। बैटिंग ने मायूस किया, किस बैट्समैन ने खास तौर पे आपको मायूस किया? देखिए मुझसे ना पूछो, मैं एक एक जितना मैं जज्बाती हुआ हूँ मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। बाबर आजम ने इस तरह की इनिंग खेलनी थी 50 स्कोर पे। देखिए उनका कैप्टन 86 पे आउट हुआ है और वो भी एक अच्छी बॉल पे उन्होंने कैच दिया है, और हमारे बैट्समैन तू चल में आया ये लगा हुआ था। हम शर्मिंदा होते हैं हर मैच में, हर वर्ल्ड कप के अंदर हमारे जज्बात से ये लोग खेलते हैं। हर वर्ल्ड कप के अंदर हम शर्मिंदा होकर बाहर जाते हैं, हर वर्ल्ड कप के बाद हम रो के बाहर जाते हैं, और ये मुझ पे आस रही है। ठीक है, ये विराट कोहली की फैन है, ये विराट कोहली की दीवानी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से प्यार नहीं करते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, हर मोहब्बे वतन पाकिस्तानी, हर मुल्क से मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, हर अपने पाकिस्तान से प्यार करने वाला पाकिस्तानी अपने मुल्क को सपोर्ट करेगा, और दूसरे लोग इंडिया से मोहब्बत करने वाले लोग सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करेंगे। मैं और मेरे समेत हर पाकिस्तानी आज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा मैच होता मैं खुदा की कसम अपने हमसाय को सपोर्ट करता, लेकिन मुझे दुख हुआ है, मेरा दिल टूटा है। सपोर्ट तो वो भी पाकिस्तान को कर रही है यार, कहाँ सपोर्ट कर रही है? ये तगड़ मगड़ की सपोर्ट होती है ना, ये नहीं होती, डू एंड डाई की बात है। या दिल दे दो, या किसी का दिल ले लो, या किसी के, या खुल के ये बोले कि मैं इंडिया से प्यार करती हूँ, आई डोंट लाइक पाकिस्तान, या खुल के बोले कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के अलावा मैं। चाचा बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं, अलाउ खानी क्या कहना चाहेंगे? ये जज्बात है एक पाकिस्तानी के, एक क्रिकेट फैन के, जाहिर बात है आप भी पाकिस्तानी और आप भी क्रिकेट फैन है। मैं चाचा को श्रीलंका से लेकर यूएई तक और इंडिया में जो अहमदाबाद में मैच हो रहा है तब से लेकर अब तक एक ही बात समझा रही हूँ कि चाचा पड़ोसियों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर चाचा समझ ही नहीं रहे। देखिए क्यों नहीं चाचा समझ रहे आप, पड़ोसियों से प्यार करना अच्छी बात है। देखिए आपको पता है सारी दुनिया जाती है कि मेरी और सुजीता की कैसी दोस्ती है, वो इंडियन है। मैं आपको बताता हूँ दोस्ती और मोहब्बत और प्यार और देशभक्ति होती क्या चीज है, वो इंडिया की है, मैं पाकिस्तान से हूँ। वो आज इंडिया को सपोर्ट करेगी, लेकिन कल जब पाकिस्तान का मैच होगा तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। वो ये मेरी दोस्ती में कर रही है, लेकिन आज वो अपने भारत को महान बोल रही है, आज मैं पाकिस्तान को अपनी जान बोल रहा हूँ। ये होती है मोहब्बत वतनी, ऐसा नहीं होता कि तेरे मुल्क से मोहब्बत, तेरे मुल्क से मैच हो, मेरे पाकिस्तान से मैच हो, मेरे पाकिस्तान का इंडिया से मैच हो, और ये बोले आई लव विराट कोहली, आज राहुल वो अच्छा खेला है, आज उसका कैप्टन चक है, ये प्यार नहीं होता, ये गद्दारी होती है, दीवानगी में हम भी दीवाने हैं। अच्छा इनको मौका देते हैं बोलने के लिए, वो क्या कहना, वो भी क्रिकेट फैन है और वो भी पाकिस्तानी है, दिल से पाकिस्तानी है। ये जो चाचा कह रहे हैं बहुत ज्यादा करना पाकिस्तान इंडिया का मैच, जाहिर बात है जब फैन होता है रियलिटी बेस पे, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते मैं भी कह रहा था कि ये वन साइडेड पाकिस्तान मैच जीत रहा है उसकी, और इंडिया मैच जीत रहा है क्योंकि इंडिया अच्छा खेला है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी दुख हुआ है। मैं आपको एक रियलिटी शेयर करना चाहती हूँ कि बाबर आजम जी आज अच्छा नहीं खेल पाए तो कुछ देर पहले चाचा बाबर आजम के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। अब मेरे कोहली जी ने सेंचुरी नहीं बनाई, गिल जी ने भी नहीं बनाया, तो क्या मैं उन पे गुस्सा करूं? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लव खानी एंड चाचा पाकिस्तानी। मैं बताता हूं कोई ऐसा पाकिस्तानी बल्लेबाज जो आपको पसंद है, या कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आपको पसंद है, या सिर्फ विराट विराट विराट? आई लाइक रिजवान। देखिए मैं इसके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन इसकी जज्बात भी लोटा पलिसियों के ऊपर चलते हैं। कुछ देर पहले ये बाबर आजम की दीवानी थी, आज ये रिजवान की दीवानी है, कल कोई और चमकता हुआ सितारा होगा ये उसकी दीवानी। मैं ये मानता हूँ ये कोहली की दीवानी है, मैं ये मानता हूँ कि ये पाकिस्तान से एक ऐसी लड़की है जो भारत के प्लेयर से प्यार करती है, उसके लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं भी एक इंडियन से प्यार करता हूँ, मैं भी एक इंडियन को चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी उसको नहीं बोला कि आओ आज मेरा मैच है तुम मुझे सपोर्ट करो, ना उसकी जरूरत है कि वो मुझे कह रहे कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो मीडिया को सपोर्ट करो। मैं बोलता हूँ तुम्हें अपने देश से प्यार है, मेरा देश महान पाकिस्तान है, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। ये होती है मोहब्बत, ये नहीं होता। मैं गलत को गलत भी कहता हूँ, जब बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं कहता मैं उसको गलत बोलता हूँ, ये मेरा प्यार है क्योंकि मैं लौटा नहीं हूँ, मैं इसको कहता हूँ सच्चा कहता हूँ दिल से। चाचा पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जज्बा। तो आपने देखा वो सारे पाकिस्तानी प्लेयर जब बाउंड्री से बाहर जा रहे होते हैं जीतने वाली टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस और एडमायर करके जाते हैं, तो हम बीइंग एन इंडिविजुअल पब्लिक ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? वो हारने वाली टीम जो है वो जीतने वाली टीम को सपोर्ट करे तो हम क्यों नहीं करें?
चाचा ये भारतीय हैं, ये जीत गए, इनको मुबारकबाद दें। वो अच्छी टीम खेली है, वो जीत गई है। भारत अच्छा खेली है, वो जीत गई है। तकरीबन 22 रन रहते हैं, 20 रन रहते हैं, लेकिन आप जीत गए, वन साइडेड मैच हुआ। आप इनको मुबारकबाद दें बतौर क्रिकेट लवर। इससे पूछे 20 मिनट पहले आपको मुबारकबाद दी उधर मैंने, ठीक है। ये मेरा औरंगजेब इंडियन मलिक औरंगजेब मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम श्रीलंका में भी एक दूसरे के खिलाफ बैठे थे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, लेकिन हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। ये पाकिस्तान इंडिया की पॉजिटिव दोस्ती है। लेकिन आज पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला तो मुझे क्या, मैं क्यों उनकी तारीफें करूं, मैं उनकी क्यों चापलूसी करूं? इतनी जल्दी नहीं करे यार, आपके पास एक बॉल